सॉलिड फूड के बारे में माएँ बहुत कॉन्शियस होती हैं कि बच्चे को कब सॉलिड फूड की तरफ लेकर जाना चाहिए। जो एज हमें बताई गई है दैट इज़ 4 to 6 months, यानी 4 months से पहले ये रेंज दी हुई है। 4 months से पहले आपने उसको कोई फूड इंट्रोड्यूस, अब हमें फूड्स कौन से देने हैं, हम फ्रूट्स की तरफ भी जा सकते हैं, वेजिटेबल्स की तरफ भी जा सकते हैं, और ग्रेन्स में हम हमेशा बच्चों को ये सुनते हैं ये नमकीन ज़्यादा चीज़ें शौक से नहीं खाता, ये मीठा चीज़ें ज़्यादा शौक से नहीं खाता। हमने शुरू से ही उनको नमक और चीनी का टेस्ट दिया, हमने उनको फ्रूट्स का टेस्ट नहीं दिया, हमने वेजिटेबल कभी भी इतने पैसे लगा के बच्चे को खाना खिलाने की ज़रूरत, वही पैसे आप हेल्दी फूड पे लगाए वो ज़्यादा फायदा। अल्लाह ताला ने देखें जिस चीज़ को जिसने बनाया होता है ना, मैन्युफैक्चरर जो होते हैं उनको ये पता होता है कि किसको किस चीज़ से फ़ायदा पहुँचना है और किस चीज़ ने इसको नुकसान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर रमड़ा, आप देख रहे हैं QSL। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि बच्चों में सॉलिड फूड कब इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए और किन किन तरीक़ों से ले सकते हैं, और सॉलिड फूड बच्चे में ऐसी अलामत जब ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं कि जब वो सॉलिड फूड ले सकते हैं, जिसको हम वीनिंग कहते हैं, और ये कंडीशन कब डेवलप होती है, तो आइए इस पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है मिस कोमल खालिद जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं और बहरिया हॉस्पिटल में काम कर रही हैं। मिस बहुत शुक्रिया फॉर द टाइम। थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिएगा कि सॉलिड फूड के बारे में माएँ बहुत कॉन्शियस होती हैं कि बच्चे को कब सॉलिड फूड की तरफ लेकर जाना चाहिए। बहुत सारी माएँ चाहती हैं कि बच्चा जो है ना 3-4 मंथ के बाद ही सॉलिड फूड इंटेक करना शुरू कर देते, तो उसके भी बाद में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। तो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, आप क्या समझते हैं कि सॉलिड फूड कब इंट्रोड्यूस करवाने चाहिए बच्चे? सर पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने बुलाया, और दूसरी बात ये कि टॉपिक बहुत अच्छा है, इसके बारे में हमें बात करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी मदर्स का ये कंसर्न होता है फर्स्ट चाइल्ड के बारे में। ये सब प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है मदर्स को, कि उनको ये नहीं समझ आती कि हमें सॉलिड फूड बच्चे को कब इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। जो एज हमें बताई गई है दैट इज़ 4 to 6 months, यानी 4 months से पहले ये रेंज दी हुई है। 4 months से पहले आपने उसको कोई फूड इंट्रोड्यूस नहीं करवाना। रीज़न उसका यह है कि बॉडी, आसान ज़ुबान में समझ लें कि बॉडी अभी फुली डेवलप्ड नहीं है कि वो एक सॉलिड फूड को एक्सेप्ट करें, सिर्फ हमने उसको मिल्क इंटेक पे रखना है। और 6 months यानी कि ये नहीं है कि 6 months से लेट हो गया और आपने अभी तक बॉडी बेबी को कोई सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, उसके भी कॉन्सिक्वेंसेज हैं। सो कॉन्सिक्वेंसेज हमें दोनों तरफ फेस करने पड़ते हैं। 4 months और 6 months की एज ये लिमिट है जिसमें हमें उनको इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए, और इस एज लिमिट को इसलिए रखा गया क्योंकि तब तक बेबी की बॉडी जो है, ऑर्गन्स जैसे स्टमक है, वो फुली डेवलप होता है और उसमें जूसेस सीक्रीशंस प्रोड्यूस होना शुरू होती हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। तब हमें दैट इज़ द साइन। और दूसरा साइन ये है कि जब बच्चा बैठना शुरू कर दे, गर्दन संभालनी शुरू करती है, सो दीज आर द माइलस्टोन्स, जब बच्चे ने अचीव करना शुरू कर दिया है दैट मीन्स कि हमें बच्चे को सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवा देनी। अच्छा, बात आपने बात की दो मिल्क इनटेक की, तो कुछ माएँ ऐसी होती हैं जो 1-2 महीने के बाद वाटर का भी वो एक सेपरेट सा इंटेक करवाना शुरू कर देती है, तो कहा यह जाता है कि उस टाइम पानी का जो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए बच्चे में, थोड़ी सी इस पर रोशनी डाली है। उस वक्त मैं ये कहना चाहूँगी कि ज़रूरत नहीं होती कि आप वाटर इंट्रोड्यूस करवाएं टू द बेबी, अनटिल अनलेस खुदा ना खास्ता कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि बेबी की नीड है कि उसको वाटर स्टार्ट कराया जाए इस एज में। अदरवाइज 4 months तक बॉडी के अंदर इतने न्यूट्रिएंट्स इनफ क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं कि वो बॉडी जो है उनको यूटिलाइज करे और उससे एनर्जी बेबी को मिले। और मिल्क जो है वो दैट इज़ द कंप्लीट डाइट, कंप्लीट फूड फॉर द बेबी टिल 4 months ऑफ एज। अच्छा, आफ्टर जो 4 to 6 months कौन सी ऐसी हेल्दी जो फूड्स हैं जो बच्चे के लिए न्यूट्रिशनल के हवाले से देखा जाए, तो कौन से बेनिफिट के हवाले से हैं, तो उस पर थोड़ी सी ठीक है। उसमें देखें, सबसे पहले तो ये आता है कि हमने जब एज ग्रुप, उस एज ग्रुप में बेबी फॉल करता है 4 to 6 months, अब हमें फूड्स कौन से देने हैं, हम फ्रूट्स की तरफ भी जा सकते हैं, वेजिटेबल्स की तरफ भी जा सकते हैं, और ग्रेन्स में हम बेबी को अगर स्टार्ट करें तो हम राइस से स्टार्ट कर सकते हैं। राइस को बॉईल करके बिल्कुल मैश या गुई सा बना के, ज़रूरी नहीं है कि आप डब्बे वाले से ही स्टार्ट करें बच्चे को, आप घर की चीज़ें सागुदाना दे सकते हैं, सूजी दे सकते हैं। फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो हम उसको केले से स्टार्ट करा सकते हैं, बनाना, एप्पल, बिल्कुल। हमने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब हम स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको हमने फॉलो करना है। पहली तो गाइडलाइन ये है कि एक चीज़ एक टाइम पे आपने बेबी को इंट्रोड्यूस करवानी है, उसको उसका टेस्ट समझ लेने दें कि वो जो चीज़ खा रहा है उसका टेस्ट क्या है। जनरली मैं अगर बात करूँ, मेरी प्रैक्टिस में भी जो पेशेंट्स दैट आई केम अक्रॉस, उसमें जनरली ये होता है कि हम बच्चे को कभी भी उसको नेचुरल फूड्स का टेस्ट हम इंट्रोड्यूस कराते ही नहीं है। हम हर चीज़ में नया नमक डालते हैं या चीनी डालते हैं, तो बच्चा जो है शुरू से ही चीज़ों को सेपरेट करता है, दिस इज़ नमकीन एंड दिस इज़ मीठा, मुझे क्या खाना है और क्या नहीं। हम हमेशा बच्चों को ये सुनते हैं ये नमकीन ज़्यादा चीज़ें
चीज़ें शौक से नहीं खाता, ये मीठा चीज़ें ज़्यादा शौक से नहीं खाता। हमने शुरू से ही उनको नमक और चीनी का टेस्ट दिया, हमने उनको फ्रूट्स का टेस्ट नहीं दिया, हमने वेजिटेबल्स का टेस्ट नहीं दिया, हमने इवन राइस का, इवन पॉरेजेस का, किसी चीज़ का टेस्ट हमने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। हमारे घरों में कॉमन प्रैक्टिस ये होती है कि हर चीज़ में नमक और चीनी ऐड करके फिर बच्चे को देना, क्योंकि वो चीज़ अगर हम लो नमक के बगैर देंगे वो तो फीकी हो जाएगी, बच्चा खाएगा नहीं। हाँ। बच्चा क्यों नहीं खाएगा? बाय बर्थ उसको नमक का टेस्ट नहीं है, उसको चीनी का टेस्ट नहीं है, वो हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसके बाद हम कंप्लेन करते हैं कि ये जी मीठी चीज़ें ही खाता है, ये तो नमकीन कुछ खाता ही नहीं है। तो हमें बच्चे को बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है कि हमें बच्चे को ओरिजिनल टेस्ट फूड का डेवलप कराना है, देन विफ केम अक्रॉस बच्चे को ये पता चलेगा कि टेस्ट की तो वैरायटी बहुत है, एप्पल का टेस्ट डिफरेंट है, बनाना का टेस्ट डिफरेंट है, ऑरेंज का टेस्ट डिफरेंट है, वेजिटेबल्स की अगर आप बात करें वैरायटी ऑफ वेजिटेबल्स, कैरेट्स का टेस्ट डिफरेंट है, आलू की अगर हम बात करें उसका टेस्ट डिफरेंट है, ब्रोकली है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो बच्चे को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सिर्फ ये दो चीज़ें हैं, तीसरी चीज़ आपने ध्यान रखनी है जब आप फूड इंट्रोड्यूस करवा रहे टू द बेबी, आपने एक टाइम पे एक फूड देना ताकि अगर कोई बच्चा उससे एलर्जी हो, किसी भी फूड से कोई प्रॉब्लम हो, कॉन्स्टिपेशन हो, डायरिया हो, कुछ भी हो, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। आपने जब चार चीज़ें इकट्ठी डब्बे वाली दे दी है उसको, आपको तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि उसको किस चीज़ से क्या मसला हो रहा है। और कभी भी इतनी इतने पैसे लगा के बच्चे को खाना खिलाने की ज़रूरत, वही पैसे आप हेल्दी फूड पे लगाए वो ज़्यादा फ़ायदा देगा उसको। और चौथी चीज़ जिसका आपने ध्यान रखना है, दैट इज़ कंसिस्टेंसी ऑफ द फूड। जो बच्चे को आप खाना शुरू में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वाटरी या लिक्विडी नहीं होना चाहिए। अच्छा। क्योंकि उसने स्वॉलोइंग उसको मिल्क से तो आती है, लेकिन हमने उसको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली च्यूइंग की तरफ लेके जाना है। टीदिंग का प्रोसेस 6 मंथ्स पे, 4 to 6 में टीदिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो हमने बच्चे को सिर्फ निगलने पर नहीं रखना, हमने उसको च्यूइंग की तरफ लेके जाना है। हमने ये कोशिश करनी है कि उसकी ईटिंग प्रैक्टिस, ईटिंग हैबिट्स डिवेलप हों। वो बच्चे जो खुद अपना खाना आराम से बैठ के इंजॉय करके खाते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वंस जो पिकी ईटर चूजी होते हैं खाने में। और उनकी पीछे अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो वो ये पता चलता है कि उनकी कभी ईटिंग हैबिट्स डेवलप ही नहीं हुई। यानी उनको हमने कभी खाने के ऊपर, हम सिर्फ कहते हैं फोर्सफुली जी अब बच्चे का सुबह का टाइम हो गया, इसको फटाफट खाना नाश्ता करा दो, दोपहर का खाना, रात का खाना, हमने कभी बच्चे की आदत डिवेलप ही नहीं की कि उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसको खुद खाना चाहिए। आपको जब ये फील हो कि बेबी जो है वो बैठना शुरू हो गया है, लाइक 6 to 8 मंथ्स वाली एज ग्रुप में, आपको बच्चे के लिए कोई एक चेयर लेनी चाहिए, हाई चेयर हो घर में, कोई डाइनिंग टेबल है आपकी वो वाली, कुछ भी ऐसी चीज़ जिसमें वो कंफर्टेबली बैठ के अपराइट स्ट्रेट वो टेबल में उसके सामने खाना रखें। एंड टेल हिम हर कि ये खाना आपने खुद खाना है अपने हाथ से। आप देखिएगा कि 50 to 60%, और ये फाउंडेशन है, वो शुरू में गिराएगा भी, मेस भी होगा। और ये आप लोगों को शायद लग रहा है कि कहना बहुत आसान है कि जी सफाई उस वक्त करनी है, ये करना है, वो करना है, बट उसको उस वक्त वो कर लेने दें। लेकिन आफ्टर अ मंथ और सो आप देखिएगा कि वो बच्चा, उसकी आदत डेवलप हो जाएगी कि मुझे इस टेबल पे जब मैं यहाँ चेयर पे बैठता हूँ तो मुझे खाना मिलता है। वो उस चेयर पे जाके बैठेगा जब उसको भूख लगेगी, और दैट इज़ द साइन जो आपने कैच करना है। बच्चे को फोर्स फीडिंग नहीं करनी। फोर्स फीडिंग करने का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि उस बच्चे को कभी ये समझ सारी ज़िंदगी नहीं आती, अनटिल अनलेस वो एक ऐसी एज में चला जाएगा उसको बच्चे को भूख लगने का एहसास ही नहीं होने देता है। हम उससे पहले बच्चे को फोर्स फीडिंग करके खाना खिलाते हैं कि नहीं तुम खाओ क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम्हें भूख लगी होगी। अच्छा, जो फूड टाइम का जो इंटरवल है उसका भी ख्याल रखना है कि कितने आपने बस ये ध्यान रखना है कि शुरू में जब 4 मंथ्स का बेबी है उसका स्टमक भी उतना छोटा है, आप साथ साथ उसको मिल्क भी दे रहे हैं, साथ साथ आपने फूड इंट्रोड्यूस करवाना है, तो आपने फोकस जो है, मुझे लगता है सवाल ये गलत है हमारा कि हम बच्चे को क्या दें, हमें सवाल ये पूछना चाहिए किस तरह दें, दैट इज तरीकाकार इज इम्पोर्टेंट, इट्स अ प्रोसेस। जब 4 मंथ्स के आप बेबी को देंगे आप फॉरन से नहीं कह सकते कि कल इसे सेब खाया था, आज इसको बनाना दे दो, कल इसको रोटी दे दो, परसों इसको चावल दे दो। आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम उसकी हैबिट डेवलप करनी है कि 8वें महीने में पहुंच के वो अपनी उस चेयर पे जाके बैठे एंड आस्क फॉर फूड कि मुझे खाना दे, वो अपने हाथ से खाए, दैट इज़ द बिग अचीवमेंट। कि फिर आप उसके सामने जो भी चीज़ रखेंगे वो फूड इंजॉय भी करेगा, वो खाना भी खाएगा। फिर आपकी ये कंप्लेन नहीं होगी कि मैं जी इसको मीठी चीज़ें देती हूँ तो ये खा लेता है, नमकीन चीज़ें देती हूँ तो ये नहीं खाता। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि जब बच्चा बहुत छोटा है, 4 to 6 मंथ्स का है, हमें उसकी हैबिट डेवलप करनी है ऑफ ईटिंग। और जैसे वो 8 मंथ्स पे पहुँचे तो उसका आपने ये माइलस्टोन अचीव कर लिया हो कि वो अपनी हाई चेयर पे या अपनी बेबी चेयर पे या जिस पे भी वो बैठता है अपनी प्लेट और आप उसको रखती हैं सामने, और फिर वो उस पर देन आप सोचें कि अब उसकी क्योंकि डेवलप हो गई आदत, अब हमें फूड्स कौन कौन से देने हैं। उसमें जो मेजर 5 फूड ग्रुप्स हैं हमारे, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, ग्रेन्स है, मीट है, पोल्ट्री है, ये सारी चीज़ें आप उसकी उस डाइट में ऐड ऑन ऐड कर सकती हैं। अच्छा, और आपने टेस्ट की बात की कि हर टेस्ट जो है वो बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। कुछ कुछ बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा बड़ी एज में जब जाते हैं
तो वो कुछ चीज़ें लेने से अवॉइड करते हैं, जैसे कि बाज बच्चे जो मिल्क का इंटेक नहीं कर रहे होते या लस्सी का भी इंटेक अक्सर बच्चे नहीं कर रहे होते, तो ये क्या वजह है कि ऐसी क्या कोई आदतों की वजह से होता है या वो चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं करवाई है? असल में हमने ये किया होता है, देखिए मिल्क का तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी बच्चे ने ना पिया हो, ठीक है। सो बाज़ों का ये होता है कि जब हमने टेपर ऑफ करना होता है ना, यानी कि फूड जैसे जैसे एज बढ़ती है तो फूड या मील्स जो हैं उनकी क्वांटिटी बढ़ती है, मिल्क का इंटेक कम होता जाता है, तो वो हमने ग्रेजुअल प्रोसेस को रखना है। हम ये नहीं कर सकते कि आज हम सोए हैं सुबह उठे हमने बच्चे को कहा कि अब तुम्हें फीडर से दूध नहीं पीना, और जनरल प्रैक्टिस हमारे घरों में यही होती है कि एक दिन बच्चा जो है वो बॉटल से फीड ले रहा है, अगले दिन हम कहते हैं जी आज तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें जो है वो बॉटल फीड नहीं लेनी। तो ये चीज़ गलत है। आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता टेपर ऑफ करके अगर आप किसी चीज़ को रिप्लेस करेंगे ना, और तो वो ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कुछ बच्चों में आप लोगों को ये फील होता है कि वो इंटेक नहीं कर रहे मिल्क का, तो उसको ये मत सोच लें कि मिल्क इज़ द ओनली सोर्स ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के हमारे पास और बहुत सारे सोर्सेज हैं, चीज़ की ऑप्शन है, योगर्ट की ऑप्शन है, आइसक्रीम्स की ऑप्शन है, मिल्क शेक्स की ऑप्शन है। आप ये वाली चीज़ों को भी रिप्लेस करके उनकी डाइट में कैल्शियम का इंटेक रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मिल्क लेंगे तो कैल्शियम इंटेक पूरा होगा, जो कि हमारा एक बहुत जनरल परसेप्शन है ऑफ द पीपल अराउंड अस कि अगर दूध नहीं पीता लो इसमें तो कैल्शियम की कमी होगी। हाउ कैन यू से दैट? आपने इससे पूछा है कि उसकी डाइट में और क्या क्या चीज़ें, क्या पता वो कैल्शियम इंटेक अपना आपसे बेहतर हो उसका कैल्शियम इंटेक, क्योंकि वो चीज़ से पूरा कर रहा है या वो योगर्ट से पूरा कर रहा है। सो एक ये भी चीज़ है कि हम हाफ इन्फॉर्मेशन लेके और हम आगे उसको पास ऑन करते रहते हैं, वो बचता बिल्कुल कुछ भी नहीं है इन्फॉर्मेशन सारी ऐसी। अच्छा, ये कहा जाता है कि दूध का जो मदर फीडिंग है वो बड़ी ज़रूरी होती है, आप थोड़ा क्या समझती हैं कि कितने अरसे के लिए या कितने इंटरवल के लिए बेबी को मदर फीडिंग करवाना चाहिए? देखें, इसका जो चीज़ है, मुझे ये लगता है कि इस्लाम ने हमें बहुत अच्छा इस पर गाइड किया है। बिल्कुल, अल्लाह ताला ने, देखें जिस चीज़ को जिसने बनाया होता है ना, मैन्युफैक्चरर जो होते हैं उनको ये पता होता है कि किसको किस चीज़ से फ़ायदा पहुंचना है और किस चीज़ ने इसको नुकसान देना है। और सिंस मैंने अगर कोई प्रोडक्ट बनाया है तो मुझे ये पता है कि इसके क्या नुकसान है, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसमें क्या क्या डिफेक्ट्स हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें जब बनाया है और उन्होंने हमारे लिए जो जो भी हलाल चीज़ें हैं जो रखी हैं, मुझे ये लगता है कि उनका कोई नुकसान नहीं होता अनटिल एंड अनलेस यू हैव अ कंडीशन इन योर बॉडी, उसकी वजह से हमें वो स्पेसिफिक फूड को अवॉइड कराना पड़ता है। अल्लाह ताला की बनाई हुई हलाल चीज़ों में कोई मसला नहीं है, हम सब कुछ खा सकते हैं। स्पेसिफिकली आपने ब्रेस्ट मिल्क की बात की, तो जब एक बर्थ के प्रोसेस से गुजरती है एक फ़ीमेल, तो ये वाली चीज़ भी अल्लाह ताला का के प्रोसेस में से एक प्रोसेस है कि हमें बताया गया है कि दैट इज़ द बेस्ट। साइंस ने अप्रूव किया, हमें तो बहुत साल पहले ही पता चल गया, बहुत अरसा पहले पता चल गया था कि दैट इज़ द बेस्ट थिंग फॉर द बेबी। डाइजेशन उसकी बहुत अच्छी है, आपका मदर और चाइल्ड रिलेशनशिप बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, और उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं दे आर ईजिएस्ट टू डाइजेस्ट इन द बेबीज बॉडी। जितने भी न्यूट्रिएंट्स, जैसा मैंने आपको बताया, फुली डेवलप नहीं होते ऑर्गन्स, बट वो वाला जो मिल्क है, ब्रेस्ट मिल्क स्पेसिफिकली, वो बच्चा बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, और उन बच्चों की आप देखें इम्यूनिटी बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू द वंस जो बॉटल फेड पे रहते हैं। मैं ये नहीं कहती कि बॉटल फेड जो है उसके बहुत नुकसान आता है, बट मैं ये बता रही हूँ कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके फ़ायदे ज़्यादा हैं अगर आप दोनों को कंपेयर करें, और वो बहुत बेहतर है। और टाइम ड्यूरेशन हमें बताई हुई है कि हमें 2 साल तक बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग पे रखना चाहिए, अनटिल अनलेस उससे पहले कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आपको वो करना पड़ता है, रोकना पड़ता है, तो दैट्स ओके, बट जो टाइमलाइन बताई हुई है दैट इज 2 ईयर। ठीक है, बहुत शुक्रिया मिस कोमल हमारे साथ मौजूद थी, बड़ा प्रिसाइजली आपने कवर किया। बस जाते हुए पेरेंट्स के लिए, जो स्पेशली मदर्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि प्लीज़ बच्चों को फोर्स फीडिंग बिल्कुल भी ना करें, और उनकी ईटिंग हैबिट को डेवलप करें, और अपना माइंड सेट चेंज करें ये सोच के कि मुझे कौन कौन से फूड्स पे फोकस नहीं करना, मुझे उसकी हैबिट डेवलप करनी है। जब आप आदत बना लेंगी, आप उसको जो भी फूड देंगी विच इज़ हेल्दी फॉर हिम और हर, वो खाएगा। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी मिस कोमल, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट, जो बता रही थी कि बच्चों में कौन कौन सी ऐसी अलामत हैं जिसको परखते हुए हम विनिंग की तरफ जाएंगे और बच्चों को सॉलिड फूड का जो इंट्रोड्यूस करवाएंगे, और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे बच्चे की नशो नमा में बेहतरी लाई जा सकती है। तो आज का शो अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।